आज की जो ये स्टोरी है इसका नाम है पनार का नरभक्षी। पनार जो है एक नदी है जो उत्तराखंड में बहती है, जिसके आसपास के क्षेत्र में ये जो आदमखोर बाघ था वो एक्टिव था, इसलिए उसका नाम पनार का नरभक्षी रख दिया गया है। जिस समय 1907 में जिम कॉर्बेट द्वारा जो है चंपावत के मैनईटर का शिकार किया जा रहा था, तो उस समय सर्वप्रथम उनके द्वारा सुना गया था कि हाँ इस क्षेत्र में जो है एक नरभक्षी एक्टिव है जिसको पनार का नरभक्षी कहा जाता है। तो होता यह है कि जिस समय ये चंपावत के शेर को मार के जिम कॉर्बेट जैसे घर पे लौटे रहते हैं, तभी इनके पास जो है डाक एक आता है, उनसे कहा जाता है कि आप जो है सब काम छोड़ के पहले पनार के नरभक्षी को मारने में हमारा सहयोग करिए। अंग्रेजी सरकार उस समय की इनसे जो है सहायता मांगती है। तो ले जब ये निकलने वाले रहते हैं पनार का नरभक्षी के लिए, लेकिन उसके बाद उनके पास दूसरा एक डाक आता है वो जो सरकार द्वारा भेजा गया रहता है, तो उसमें कहा जाता है कि नहीं आप पहले पनार के लिए नहीं, पहले आप मुक्तेश्वर वाले में आइए, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक आदमखोर जो है नया नया आदमखोर बना रहता है जो मानव हत्याएं करता है। तो उसके बाद आना रहता है पनार, लेकिन वो चले जाते हैं कहाँ, मुक्तेश्वर। जब मुक्तेश्वर वाले को मान लेते हैं तो 1910 के करीब, 1910 के करीब जिम कॉर्बेट जो है पनार के नरभक्षी को मारने के लिए निकलते हैं। वो अपने साथ चार जो उनके सेवक रहते हैं, जो नौकर रहते हैं, उनके साथ टेंट उठाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, वो उनके साथ चल चलते हैं। नैनीताल से जब वो लोग पूरा दिन भर चल के 28 मील चल के एक जगह पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि अब कहाँ रुका जाए, तो उनके एक छोटा सा मकान दिखता है। तो उस मकान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें ताला लगा हुआ रहता है, दीवारों पे चौक से कुछ लिखा हुआ रहता है, चौक से लाइनें खींची गई हैं, कटे फटे कागज़ गिरे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कोई ना कोई स्कूल है जो जिसमें बच्चे अच्छे दिन में तो आते होंगे पढ़ने, लेकिन इस समय जो है एकदम आसपास कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे रुका जा सकता था, वो एक सिर्फ मात्र एक वही एक मकान रहता है। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि यहाँ अभी हम जो आदमखोर का क्षेत्र है उससे कई सौ मील नहीं कहेंगे, कई मील जो है उससे दूर है, तो यहाँ रुकना सेफ होगा। तो वो लोग जो है जिम कॉर्बेट जो है उसी मकान के दरवाजे पे अपनी पीठ टिका के बैठ जाते हैं, बाकी एक नौकर चले जाता है जंगल से लकड़ी लाने के लिए, और एक नौकर चूल्हा उल्हा बना बना के। वो जिस समय नैनीताल से चले होते हैं तो अपने साथ एक जो होता है बकरा रहता है, बकरे की एक टांग लेके आए रहते हैं, बकरे की टांग लाए रहते हैं कि जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। जब क्या होता है, एक उनका नौकर जो है, एक शाम हो गई रहती है अंधेरा, तो जिस समय एक आदमी जो उनका नौकर जो है चूल्हे में आग जलाता है, तो चूल्हे की आग से जो है थोड़ी बहुत रोशनी होती है, और जिम कॉर्बेट जो है यही सब देख रहे होते हैं कि चूल्हे में मतलब जला रहे हैं चाहे ऐसे। तब तो वो देखता है कि जो स्कूल की जो बाउंड्री रहती है वो सिर्फ 1 या 2 फुट ऊंची की होती है, 1 या 2 फुट, 1 या 2 फुट आप समझ रहे होंगे घुटने से भी नीचे है नीचे। तो वहाँ वो देखते हैं कि एक जो है किसी जानवर का सिर जो है दीवार के पीछे से ऊपर उठा, उस बकरे की टांग को मुंह में पकड़ा और लेके चल दिया। तो ये तो समझ जाते हैं कि ये कोई तेंदुआ है जो इसको लेके भाग रहा है, लेकिन उनका जो नौकर है वो समझ नहीं पाता है, वो समझता है कि कोई कुत्ता है उसको लेके भाग रहा है। तो कुछ कदम वो उसके पीछे दौड़ता है चिल्लाते हुए, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो डर के फिर जो होता है भाग आता है। तो फिर आके जिम कॉर्बेट हंस रहे होते हैं, तो बोलते हैं अरे साहब आप हंस रहे हैं, बताइए आपको मैं क्या खिलाऊंगा। तो बोलते हैं अरे जो बनाना है बना दो। तो जो भी बनाते हैं, लेकिन आधे घंटे में वो कहते हैं कि मेरे नौकर ने मेरे सामने कुछ पेश कर दिया, हमने उसको उतने ही प्यार से खाया जितने प्यार से उस तेंदुए ने जो है उस बाघ की टांग को खाया होगा, तो वो भी एक संतुष्टि है कि चलो हमने नहीं खाया उसी ने खा लिया। अगली सुबह ये जो है एक डाक बंगले में पहुँचते हैं, तो डाक बंगले में पहुंच के वहाँ पे अपने नौकरों को रुका के जैसे रात भर तो आराम करते हैं, अगले दिन नौकरों से कहते हैं तुम लोग यहीं रहो मैं तब तक क्षेत्र का एक दौरा करके आता हूँ। क्षेत्र का दौरा करने निकलते हैं, तो
कहीं कहीं बाघ के पंजे रहते हैं, बाघ के पंजों का निशान करते करते ये एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे सिर्फ एक अकेला मकान रहता है, जो जैसे पहाड़ में घर रहते हैं उसी तरीके से रहता है, एक नीचे कम हाइट का, 2 मंजिला टाइप का, एक नीचे कम हाइट का और उसके ऊपर एक। तो जैसे ही ये वहाँ जाते हैं तब तक इनको देख के एक जो है 22 साल का एक आदमी था, 22-23 साल का रहा होगा, वो दौड़ते हुए आता है और इनके पैरों में गिर पड़ता है कि अरे साहब। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब ये मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था तभी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ रात में अनहोनी हुई है, इसीलिए मतलब। तो हुआ ये रहता है कि अप्रैल का महीना रहता है, गर्मी रहती है और पहाड़ में जितने भी घर बने रहते हैं उसमें खिड़की नहीं रहती है, खिड़की नहीं रहती है, बस मेन दरवाज़ा रहता है। पहले के घरों में खिड़की होती ही नहीं थी, रोशनदान फिर भी कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ में वो भी नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पे आदमखोर जंगली जानवरों का इतना खतरा रहता है कि लोग सिर्फ एक दरवाज़ा रखते हैं आगे से। तो होता यह है कि जब गर्मी लग रही होगी तो ये और इनकी एक 17-18 साल की एक बीवी रहती है, पत्नी रहती है, ये दोनों उस कमरे में सो रहे होते हैं। तो गर्मी लगती है तो ये क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल के कुछ देर के लिए और ज़मीन के ही फर्श पे जो है दोनों के दोनों लेटे रहते हैं। दरवाजे के साइड में जो है पत्नी लेटी रहती है और उसके दूसरी तरफ इनका ये लेटा रहता है जो आदमी रहता है। तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के नरभक्षी आता है अंदर, औरत को क्या करता है, गले से दबाता है, उसके गले को अपने मुंह से पकड़ के, और उसको जब बाहर खींचने लगता है तो जब बाहर को खींच रहा होता है तो क्या करती है वो जो महिला रहती है, वो बोल तो कुछ नहीं पाती है, मुंह से आवाज़ भी उसकी नहीं निकलती है, लेकिन एक हाथ जो है उसके अपने पति के ऊपर मार देती है। और जब उसको पति को आभास होता है कि मेरी पत्नी को कोई खींच के ले जा रहा है तो वो अपने पत्नी का हाथ पकड़ के ये इसको अपनी तरफ खींचने लगता है और जो नरभक्षी तेंदुआ रहता है वो अपनी तरफ खींचने लगता है। और अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए फिर नरभक्षी क्या करता है कि अपना एक पंजा जो है महिला के सीने पे रख के अपना नाखूने से खींचने लगता है। तो ऐसे तैसे जैसे भी हैं कि महिला को वो बाहर नहीं ले जा पाता है, आदमी जो है दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। भीषण गर्मी रहती है, अब वो रात भर दर्द से कराहती है और अगली सुबह उस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो जाके कहीं अपने जो आसपास का भी उसका घर था उसके पड़ोसी का, वो वहाँ से लगभग 1 मील दूर था, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मैं जाऊँ और वहाँ से भी कुछ हेल्प लेने की कोशिश करूँ, मेडिसिन और ऐसा ऐसा। तो जिम कॉर्बेट जब देखते हैं कि उस कमरे के अंदर, तो देखते हैं कि उनको आभास हो जाता है कि अब ये जो है बचेगी नहीं क्योंकि घाव इतने ज़्यादा गहरे रहते हैं और कोई भी जंगली जानवर है उनके नाखूनों में इतने बार खून लगा रहता है कि वो खुद में एक जहर बना रहता है। तो जो नॉर्मल सा घाव और किसी चीज़ से कटने में और जंगली जानवर के नाखून से कटने में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उस समय इतनी अच्छी संचार व्यवस्था भी नहीं थी, इतनी अच्छी जो है यातायात व्यवस्था भी नहीं थी कि तुरंत फ़ोन करें, और निकटतम जो है 18 मील दूर अल्मोड़ा स्थित था जहाँ से जो मेडिकल किट उपलब्ध हो सकती थी। जिम कॉर्बेट जब उनके घर के पास पहुँचे थे तो शाम हो गई थी, शाम को वैसे भी नहीं निकला जाता था कहीं। तो वो कहते हैं कि या तो इनको छोड़ के मैं अपने डाक बंगले में अपने नौकरों के पास चले जाऊं या एक चांस लूं उस नरभक्षी को मारने का, क्योंकि आदमी बता रहा था कि सुबह तक वो दरवाजे को जो है तोड़ने का प्रयास कर रहा था तेंदुआ। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उस आदमी से कि ऐसा करिएगा कि आप लोग ऊपर ही सोइएगा, मैं उस गर्मी में तो नहीं रह सकता हूँ, मेरे को नीचे जो है लकड़ियाँ वकड़ियाँ हटा के, जो जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठा की गई रहती हैं उसी को थोड़ा बहुत खिसका के उसमें एक अपनी जगह बना लेते हैं जहाँ से वो देख सकें कि सामने से कौन आ रहा है, शिकारी आया जो मैनेटर आए तो उसको जो है मार सकें। तो वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप रात में दरवाज़ा खोल के सोइएगा और मैं नीचे रहूँगा, मैं जो है उसको मार दूँगा। लेकिन उस आदमी को विश्वास नहीं होता है, आदमी कहता है कि अरे साहब आप यहाँ बैठ रहे हैं कहीं आप ही को ना मार दें, और पक्का मार देगा आपको, तो मैं क्या बताऊँगा सबको।
तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि कुछ मत करना, जैसे तुमको लगे कि मुझे मार रहा है तुम अपना दरवाज़ा बंद करके बंद करे रखना, और उसके बाद अगली सुबह जो है मेरे आदमी को बता देना डाक बंगले पे जाकर। तो जैसे तैसे जिम कॉर्बेट वहाँ बैठे रहते हैं, ऐसा रहता है कुछ चांदनी रात रहती है जिसमें जो है स्पष्ट दिख सकता है, लेकिन पहाड़ों में अक्सर ये होता है कि जिस समय जैसे सूर्य उदय होता है तो पहाड़ों पे क्या होता है एक पहाड़ की छाया लंबे दूरी तक फैली रहती है, उसी तरीके से जब चांद उदय होने वाला रहता है तो उसकी छाया जो है मकान पर पड़ती है, उस समय जो है अंधेरा रहता है, तो उस समय कौन आ रहा है कैसे ये सब अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता था। तो इसी तरीके से जिम कॉर्बेट जो है पूरी रात बैठे रहते हैं, लेकिन उस दिन जो होता है मैनिटर नहीं आया रहता है। उसके ना आने का कारण ये रहता है क्योंकि वो पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ रहता है, तो वो भी सोचता है उसको कि मैं यहाँ के भैया अपना नींद वो ना अपना प्रयास करूँ, इस समय कहीं और देखा जाए। तो जिम कॉर्बेट उसके बाद जो है उनके पास छुट्टियाँ नहीं रहती हैं, उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं अपने आदमियों के साथ। हाँ, अब वापस लौटने से पहले अल्मोड़ा से उन्होंने मेडिकल किट जो है कह के भिजवाई रहती है, लेकिन जब मेडिकल किट भिजवाई रहती है उससे पहले ही वो औरत मर चुकी रहती है। जिम कॉर्बेट कहते भी हैं कि इतनी पीड़ा में उस महिला को देखकर बस यही उनका मन करता है कि इसको सिर्फ एक ही जो गोली है जिससे बंदूक की गोली उससे इसका निदान हो सकता था, और उससे ज़्यादा दया का काम और कुछ होता नहीं, लेकिन मजबूरी है, ऐसा कोई करेगा थोड़ी कि हाँ कोई बीमार है तो गोली मार दो चलो जाओ अब। तो उसके बाद अगले सितंबर में फिर से ये जैसे अप्रैल में पहला प्रयास करते हैं, उसके बाद सितंबर में फिर से आते हैं इस पनार के नरभक्षी को मारने के लिए। बरसात का सीज़न अभी गया रहता है और बारिशें जो होती हैं पहाड़ में सितंबर दिसंबर में भी होती ही हैं, तो पहले ये सोचते हैं कि मैं दूसरे रूट से जाऊंगा, जहां से पहले से गया था वहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन इनको एक इनका जो नैनीताल में एक बढ़ई पनवा नाम का रहता है पनवा, तो वो क्या करता है इनके वहां बढ़ई उढ़ई का काम करता था नैनीताल में, तो ये कहता है कि साहब मेरा भी गांव उधर ही है, मेरे को भी अपने साथ लेते चलिए। तो ये कहते हैं चलो तुम भी चल चलो। तो ये लोग जाते हैं तो ये एक नदी रहती है पनार नदी जो रहती है उसके करीब पहुंचते हैं, इनको नदी पार करना रहता है। तो वहाँ का जो मुखिया रहता है उस गांव का मुखिया, वो कहता है कि आप जो है नदी इस समय पार मत करिए, बाढ़ आई हुई है, अगली सुबह मैं आपको एक गाइड दे दूंगा, गाइड मतलब एक आदमी जो रास्ता दिखा सके कि कहाँ से नदी पार करेंगे तो आप सेफली पार कर सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट भी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है अगले दिन हम चलेंगे यहाँ से, तो रात वहीं स्टे करने का उसी गांव में फैसला करते हैं। तो एक दो मंजिला मकान रहता है, उसके ऊपर के दो कमरे खाली कर दिए जाते हैं और साफ़ सफाई कर दी जाती है कि यहाँ पर रुकें, लेकिन जिम कॉर्बेट का मन करता है कि नहीं नीचे एक उनको कमरा दिखता है खाली सा, तो वो कहते हैं मेरे को नीचे कर दो मैं नीचे ही सो जाता हूँ। तो जल्दी से जो उनके नौकर वौकर रहते हैं उस कमरे को साफ करते हैं, कटे फटा उसमें कंबल अम्बल रहता है ये सब चीज़ बिस्तर से हटा के ज़मीन पर उनका बिस्तर लगा के वहाँ खाना दे के, तो जिम कॉर्बेट खाना वाना खा के उस पर दिन भर के चले रहते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है उनको और निश्चिंत इसलिए रहते हैं दरवाज़ा खोल के सोए रहते हैं क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई होती है और नदी के उस पार जो है दो चार दिन पहले आदमखोर ने एक आदमी को मारा हुआ रहता है। तो इतनी बाढ़ में तो वो जो तेंदुआ है चाहे कोई भी जानवर है वो नदी पार करेगा नहीं, इसलिए वो बड़े निश्चिंत होकर वहाँ सोते हैं। अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह हल्की सी आहट से इनकी नींद खुलती है, तब तक देखते हैं कि ठीक इनके सामने एक जो है आदमी जो है बैठा हुआ है और उस आदमी को कुष्ठ रोग जो है एकदम चरम अवस्था पर रहता है। कुष्ठ रोग जानते होंगे आप लोग कि मतलब जो ये स्किन रहती है स्किन डिजीज टाइप का रहता है जिसको छोटी माता बड़ी माता ऐसे करके भी पहाड़ में कह दिया जाता है। तो कुष्ठ रोग जो है वैसे वो छुआछूत का भी है, वो जैसे इन्फेक्शनल डिसीज है वो छुआछूत की भी, उसके जो रोगी रहता है उसके बिस्तर स्तर पे नहीं सोना चाहिए, खाने के बर्तन अलग होने चाहिए, ये सब चीज़ करनी चाहिए, बहुत उसमें मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट पिछली रात उसी आदमी के बिस्तर
पे जो उसी कमरे में सोए रहते हैं। तो ये देख के वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आदमी कहता है कि देखिए सर, बात ऐसी है कि हम 2 दिन से गए थे अपने रिश्तेदारों के वहाँ ऐसी मिलने मिलने के लिए। जब वहाँ से वापस आके लौट के देखे तो आप सो रहे थे, तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, हम वहीं पे बैठे रहे। तो जिम कॉर्बेट अपने आदमियों से कहते हैं कि जल्दी जल्दी चला जाए, गाइड को तैयार करो, जल्दी जल्दी चला जाए, नाश्ता वास्ता कहीं और करेंगे। उनको अपने अंदर से लगता है कि मतलब कि अब मेरे को कहीं ये हो ना जाए ये बीमारी। तो गाइड जब तैयार हो जाता है तो वो लोग जल्दी चलते हैं, नदी के किनारे जो है सब लोगों को रोक के अपने नौकरों से कहते हैं अब तुम यहाँ नाश्ता बनाओ, और एक साबुन की टिकिया लेके वो नदी में नहाने चले जाते हैं। और ऐसा नहाते हैं जैसे कि उनको लगता है कि मेरा शरीर कितने महीनों से गंदा है, सिर्फ बीमारी के डर के वजह से कि मुझे ये बीमारी ना पकड़ ले, क्योंकि उस समय कुमाऊँ माऊँ में ये सारी बीमारियाँ जो थी लाइलाज थी। और मुखिया ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि यहाँ पे कोई कुष्ठ रोगी रहता है, क्योंकि पहाड़ों में जो है उसको छोटी माता बड़ी माता करके उसकी पूजा की जाती है। जो आदमी रहता है उसको ये माना जाता है कि हाँ ये देवी इसके शरीर में आई हैं। तो उनको लगा हुआ कि ये क्या बात बताने की ज़रूरत है। तो जब वो नहा लेते हैं, पत्थर वत्थर के ऊपर अपने कपड़े सुखा लेते हैं, नाश्ता वास्ता करने के बाद ये लोग कहते हैं कि चलो चला जाए। जो गाइड रहता है वो 4 फुट 6 इंच का ही रहता है, सिर्फ जनरली हाइट जो होती है 5 फुट चाहिए, लेकिन पहाड़ के लोग छोटे रहते हैं, 4 फुट 6 इंच का रहता है। लेकिन चलने में, पहाड़ में चलने में उसको बिल्कुल थकान नहीं होती। ये लोग थक जाते हैं, वो उनको ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ चढ़ाता है कि ये थक जाते हैं। तो जो पनवा बढ़ई रहता है वो अपने साथ एक कोट लेके, जो पहनने वाला कोट रहता है वो लेके जा रहा होता है, और अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार, अपने परिवार के लिए उपहार भी लेके जा रहा होता है, जैसे कपड़े वपड़े चाहे जो भी रहा होगा। तो जो कोट उसका, कोट के अंदर उसने रखा रहता है, तो वो कहता है कि इस गाइड की वजह से जो है हमको इतना चढ़ना पड़ रहा है चढ़ाई पे, रुको अपना सामान इसी को दे देता हूँ कि यही ढोएगा, ये खाली हाथ जा रहा है, तो उसको दे देते हैं। और जब नदी पार कर रहे होते हैं तो इन सब के जो पानी घुटने तक आ रहा था, कमर तक आ रहा था, वही पानी जो है जो गाइड रहता है उसके सीने तक आ जाता है, और वो जो होता है डिसबैलेंस होके बहने लगता है। जिम कॉर्बेट तो आगे रहते हैं, वो लोग आगे निकल के रहते हैं, लेकिन इसके पीछे बढ़ई बढ़ई रहता है पनवा, और पनवा का कोट उसने लिया रहता है पीठ पे, और जब वो बहने लगता है तो उसका कोट भी बहने लगता है उसके साथ साथ। तो पनवा जो है किनारे पीछे से जाके किनारे किनारे दौड़ के आगे एक पत्थर पे लेट जाता है और इंतज़ार करता है कि जब वो बहता हुआ मेरे सामने से जाएगा तो उसको खींच लूँगा। वो बहता हुआ आता है तो उसके बाल पकड़ के उसको बाहर खींच लेता है। तो जिम कॉर्बेट ये देख के बड़े उसको शाबाशी देते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम किए। तो बोलता है साहब मैं इसके लिए काम नहीं किया, ये मेरा कोट था, मैं इसके लिए ये काम किया हूँ कि मेरा कोट ना बह जाए। तो अब तक जो शेर बन के आगे उनका गाइड चल रहा होता है कि हाँ मैं तुमको रास्ता दिखा रहा हूँ, अब ऐसा हो उसकी हालत एकदम भीगी बिल्ली की तरह रहती है। जब नदी पार करा देता है तो उसकी अब ये हिम्मत नहीं होती कि वापस मैं पार करके अपने घर चले जाऊं। तो पनवा बढ़े बढ़ी कहता है कि ऐसा है कि ठीक है सर, हम अपने साथ लेके चले जा रहे हैं। उसका घर रहता है वहाँ से 4-5 मील नदी पार करने के, और जिम कॉर्बेट लोगों को सुनौली गांव ढूंढने किसी और तरफ जाना रहता है। तो ये जिम कॉर्बेट अपने साथियों के साथ, नौकरों के साथ अपना सुनौली गांव ढूंढने, सुनौली में जो आदमखोर लास्ट आदमी को मारा रहता है, जैसे कि वो 6 दिन पहले का हो चुका होता है। 6 दिन पहले का मतलब कि उसमें कुछ बचा नहीं होगा अब तक, तो जिसके ऊपर जो है निशाना लगाने के लिए बैठा जा सके कि वो वापस लौट के आएगा और उसको मारेगा। और उस समय जो है संचार व्यवस्था, जैसे मैंने पहले भी कहा, संचार व्यवस्था फ़ोन ऑन तो होते नहीं थे कि हाँ तुरंत फ़ोन करा और तुरंत यहाँ से वहाँ खबर पहुँच गई। और एक और कारण ये था कि उससे पहले, जिम कॉर्बेट से पहले कई शिकारियों को जो है सूचना दी जाती थी कि, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, वो मार नहीं पाए। तो गांव वाले भी निराश हो गए कि अरे कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो कहा कोई आदमी दौड़ के एक गांव से दूसरे गांव जाए, फिर ऐसे करके हेडक्वार्टर तक वो पहुँचाई जाए सूचना। तो जब जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 6 दिन हो गए रहते हैं, लेकिन वहाँ के गाँव के लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, अभी भी उसकी आवाज़ हम लोग सुने हैं, वो उन्हीं झाड़ियों में है। एक जंगल का एक क्षेत्र रहता है, जैसे पहाड़ में ऐसा नहीं रहता कि खूब सारी झाड़ियाँ रहती हैं, कुछ कुछ रहता है क्षेत्र जहाँ पे खूब सारी झाड़ियाँ रहती हैं जिसमें छुपने की जगह रहती है, बाकी जो है पहाड़ वहाड़ ऐसे रहते हैं तो साफ देखा जा सकता है।
तो वहाँ पे छुपने की जगह सिर्फ एक ही थी। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि वहीं पे छुपा होगा, क्यों ना ट्राई किया जाए जब लोग इतना कह रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट अपने पैसों से जो है दो बकरे खरीदते हैं उसी गांव से। एक बकरे को दिन भर का चला रहते हैं, उनका अब हिम्मत नहीं रहती कि एक पूरी रात जाग सकें। तो एक बकरे को जो है उन झाड़ियों के पास बांध देते हैं, उस जंगल के पास जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हो सकता है। और एक बकरे को अपने तंबू के पास बांध देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो सुबह के समय जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि जो उनके टेंट के पास जो बकरा बांधा है वो तो आराम से घास खा रहा है और मिमिया रहा है। और लेकिन जो उनका दूर का जो बकरा था उसकी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जिम कॉर्बेट अपनी राइफल उठाते हैं और उस बकरे को चेक करने जाते हैं कि इसको क्या हुआ, इसको मारा है कि नहीं। तो जाके देखते हैं तो हाँ, उसको मार दिया रहता है। और मार के बकरे का खून वहाँ रहता है लेकिन बॉडी वहाँ नहीं रहती है। ऐसा उसको खींच के वो जो है, जबकि उसको रस्सी से बांधा रहता है, रस्सी तोड़ के वो जो है नरभक्षी उसको ले कर चला गया रहता है जंगल में। अब जिम कॉर्बेट पहचान कैसे करते हैं कि ये वही लेपर्ड है जो पिछले अप्रैल में उस औरत को घर में से खींचने की कोशिश कर रहा था। तो उसके और उसके फुटप्रिंट, जो लोग जानकार होते हैं वाइल्ड लाइफ में, वो जानते हैं कि फुटप्रिंट्स एक जानवर के जो शेर है तो एक शेर के दूसरे शेर से मैच नहीं करते हैं, जैसे इंसानों में रहता है उसी तरीके से। तो उस पंजे को देखने के बाद और इस पंजे को, दोनों को मेमोराइज करने के बाद वो एकदम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, ये मैन ईटर ही है। तो आगे वो जाके फिर वापस लौट जाते हैं अपने वहाँ। फिर दिन का लंच वंच करने के बाद 2 बजे के बाद वो अपने आदमियों को लेके आते हैं और बकरे की बॉडी को थोड़ा सा खींच के बाहर कर देते हैं जहाँ पे निशाना लगाया जा सके। और थोड़ी सी पहाड़ी पे, वहाँ से कम 30 गज की दूरी पे एक पहाड़ी पे एक छोटा बौना पेड़ एक उगा रहता है, जिसके ऊपर जो है ये जाके सोचते हैं कि इसी के ऊपर मचान बनाया जाएगा और इसी के ऊपर बैठा जाएगा। तो मचान बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी ब्रांचेस नहीं रहती हैं कि जिस पे बैठा जा सके, लेकिन कंफर्टेबल नहीं तो अनकंफर्टेबली एक मचान बना दिया जाता है। और एक चीज़ की जाती है कि पास के झाड़ियों में से कांटे काट के उस पेड़ के चारों तरफ बांध दिया जाता है ताकि कोई तेंदुआ जो है पेड़ पे चढ़ ना सके। और जिम कॉर्बेट जो है शाम को 4-5 बजे के करीब जो है अपना जो है सीट ले लिए रहते हैं ऊपर, ठीक सामने 30 गज की दूरी पे वो बकरा मरा हुआ पड़ा रहता है। और जब शाम होने वाली रहती है तो अपने आदमी जो उनके नीचे बैठ के खूब जोर जोर से बात कर रहे होते हैं, उनको इशारा करते हैं कि अब तुम लोग बात करते करते चले जाओ गांव में। बात करते करते जाओगे तो उससे ये होगा कि अगर आसपास तेंदुआ है तो वो आवाज़ सुनेगा कि हाँ, अब ये लोग चले गए हैं तो अब ये खाली हो गया है। तो 5 बजे के करीब जो है, 1 घंटे बाद जब एकदम शाम होने वाली रहती है, तो एक जो है जंगली मुर्गा उर्गा जो है बोलना शुरू करता है। जैसे कोई भी जानवर, मांसाहारी जानवर जब जंगलों में चलता है तो उसका पता कैसा लगता है, या तो बंदर बोलने लगेंगे, या तो चिड़ियाँ बोलने लगेंगी, मुर्गे बोलने लगेंगे, या हिरन बोलने लगेंगे। ये तो जब मुर्गा उर्गा बोलता है तो उनको लगता है कि हाँ, अब ये चल पड़ा है, उनका अंदेशा सही भी रहता है। लेकिन जितना इन्होंने सोचा रहता है कि इतनी जल्दी आ जाएगा, उतनी जल्दी वो आता नहीं है। और रात जो रहती है वो एकदम से अंधेरी रात रहती है कि आप एकदम से रात का वर्णन इस तरीके से करेंगे कि मतलब एकदम आपको कुछ दिख ना रहा हो सामने का, अपने हाथ भी ना दिखें, इतना अंधेरा। तो निशाना लगाने के लिए सिर्फ उन्होंने बंदूक की एक नली पे एक सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ रहता है कि हल्का सा वो दिखेगा, उससे बकरे की तरफ को निशाना करके हम मार सकेंगे। तो बकरा जो है, थोड़ी देर बाद बकरा जो है बोलने लगता है। बकरे के बोलने का मतलब यह है, डर के मारे बोलने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने बाघ को देख लिया है। बाघ ने बकरे को देखा है, बकरे ने बाघ को देखा है, लेकिन जिम कॉर्बेट को कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बकरा जो है
जिस तरफ को मुंह करके बोल रहा होता है, अब उधर को मुंह करके नहीं बोलता है, अब वो जिम कॉर्बेट जिस पेड़ पे बैठे रहते हैं उस तरफ को मुंह करके बोलने लगता है। इसका मतलब ये रहता है कि जो बाघ है वो अब ठीक पेड़ के नीचे है, जिस पेड़ के ऊपर वो लोग वो बैठे हैं। तो अब जो होता है बाघ जो है उसने देख लिया रहता है कि इस पेड़ के ऊपर कोई बैठा है, तब वो कोशिश करने लगता है उस पर चढ़ने की। और चढ़ने की कोशिश में जो करता है, कांटों को अपने दांतों से खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है जो नीचे रस्सी से बांधे रहते हैं, लेकिन गनीमत ये रहती है कि वो इतना मजबूती से बांधा रहता है कि वो छूटता नहीं है। तो वो जिम कॉर्बेट जो है पेड़ उतना ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो तेज़ी से खींच के फिर एकदम से छोड़ता था तो ऐसा जैसे झूले पे बैठता आदमी कि ऐसा लगता है गिर जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं गिरते गिरते बचा था, नहीं तो उस दिन शिकारी हो गया रहता है। लेकिन बाद में अपने दिमाग कहते हैं कि मेरे दिमाग ने अच्छा हुआ काम किया कि मैंने कांटे बधवा दिए, इसलिए मैं उस रात को बच सका। तो जब तेंदुआ जो है असफल हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो बकरा रहता है उसको मार देता है गुस्से में और उसको बैठ के खाने लगता है। जब गुस्से में मार देता है खाने लगता है तो सिर्फ मांस को चीरने की आवाज़ और हड्डी तोड़ने की आवाज़, उसकी आवाज़ से जो है जिम कॉर्बेट अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ जो है बकरा को वो खा रहा है। लेकिन अंधेरे में किस तरफ से बैठ के खा रहा है, आगे से खा रहा है, पीछे से खा रहा है, या जिस समय मारा है, तो बस कानों के भरोसे जो है वो बंदूक का निशाना जो है लगा के ट्रिगर दबा देते हैं। और ट्रिगर दबाते ही एक जोर से आवाज़ होती है और जो बाघ उछल के जो है दूसरी पहाड़ी पे कूद के थोड़े दूर जाके आवाज़ करने लगता है। और जब गोली की आवाज़ सुनते हैं इनके नौकर जो हैं तो वहीं से आवाज़ ला के पूछते हैं साहब हम लोग आएँ, तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि नहीं अभी मत आइए। फिर जब वो एक घंटा बीत जाता है और बाकी कोई हलचल नहीं होती है तब वो कहते हैं कि हाँ आप लोग आइए और मसाल जला के लाइएगा। तो गांव से और लोग इकट्ठा करके 18-20 लोग मसाल, चीड़ की मसाल जो है लेके, चीड़ मतलब पाइन का पेड़, उसको हरे डंडियों का मसाल बनाई रहती है। फिर आते हैं तो देखते हैं कि बकरा तो वहाँ मरा पड़ा है। जिम कॉर्बेट भी पेड़ से नीचे उतर जाते हैं और बकरा तो मरा पड़ा है लेकिन बकरे के अलावा और भी जानवर का खून गिरा है, जिसका मतलब ये रहता है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि देखिए गोली तो उसको लग गई है लेकिन अब वो घायल हो चुका है, लेकिन कितना घायल है ये नहीं बताया जा सकता। हम अगली सुबह आएंगे, अपने लिए कहते हैं कि मैं अगली सुबह आऊँगा, फिर उसका पीछा करूँगा खून की लकीरों का और तब कोशिश की जाएगी। तो उसी में से गांव के कुछ लोग रहते हैं जो ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, वो कहते हैं कि अरे सर, नहीं होता एक चढ़ाने वाली बात, अरे सर आपने मारा होगा तो मर ही गया होगा, आपकी गोली से वो बच ही नहीं सकता है। तो क्यों ना अभी चल के देखा जाए। तो जो बाघ जिस तरह भागा रहता है तो वो ऐसा रहता है पहाड़ में क्षेत्र जो रहते हैं सीढ़ी नुमा खेत रहते हैं, तो आपको नीचे का नहीं दिखेगा, नीचे का पार्ट। जितना आप उसके पास जाते रहेंगे तो एक खेत फिर दूसरा खेत फिर ऐसे करके, जैसे कुएं के पास जाके आपको दिखेगा नीचे का, उसी तरीके से वही सिचुएशन रहती है। प्लेन तो रहता नहीं कि यहीं से दिख जाए। तो जिम कॉर्बेट जो कहते हैं कि मेरा डिसीजन सही रहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ उसके पीछे इस समय रात में, लेकिन गाँव वालों के इतना कहने पर इनके अंदर भी एक जो सही डिसीजन जो रहता है वो गलत में बदल जाता है। कहते हैं कि हाँ चलिए हम जो है कोशिश करते हैं इसी समय, लेकिन जाने से पहले ये गांव वालों से कहते हैं कि देखिए एक दो बातें मेरी मानिएगा। पहली बात तो सबसे आगे मैं रहूँगा बंदूक लेके और मेरे पीछे सब लोग एक लाइन से रहेंगे मसाल जला के, और अगर लेपर्ड ने हमला कर दिया तो कोई भी मुझको छोड़ के भागेगा नहीं। तो सब लोग हामी भरते हैं हाँ सर, अरे नहीं आपको कहाँ छोड़ के भागेंगे, अब तक तो मर गया होगा, ये होगा। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जैसी नीचे के खेतों को देखने के लिए जब जा रहे होते हैं तो एक के बाद एक खेत जो थोड़ा थोड़ा दिखने लगते हैं, तथा अंदर से नीचे से एक जो है जो बाघ रहता है वो एकदम से गुस्से में दहाड़ता हुआ इनकी तरफ को आता है।
बस उसकी दहाड़ सुनते हैं 18-20 जितने गांव वाले रहते हैं वो सब आपस में लड़के मतलब भागने के लिए एकदम से भाग जाते हैं। उसी भाग दौड़ में क्या होता है कि एक दो मसाल नीचे गिर जाती है और गिर के भी जली हुई रहती है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की रोशनी रहती है। तो उतनी रोशनी में ये जो है इनको जो है निशाना लगाने का मौका मिल जाता है इनके ऊपर। जैसे ही वो अटैक छलांग मारता है तो इनको तुरंत एक ट्रिगर दबा देते हैं और पूरी की जो गोली रहती है उनके उसके सीने में जाके लग जाती है। और तेंदुआ जो है तुरंत गिर पड़ता है, पैर ऊपर हो जाते हैं और मतलब एकदम मर चुका रहता है। अब जो लोग भागे रहते हैं वो फिर दोबारा गोली की आवाज़ सुनते हैं तो सोचते हैं कि अरे लग रहा है कि मार दिए हैं लग रहा है। तो धीरे धीरे तो उसी में से एक आदमी कहता है अरे अब जाएंगे तो बड़ा गुस्सा होंगे। तो बोलता है अरे नहीं गुस्सा नहीं होंगे, वो जानते हैं कि हम लोग बहुत डरपोक आदमी हैं, हमको उससे राक्षस ने डरा दिया था इसलिए हम लोग भाग गए, वो गुस्सा नहीं होंगे। तो जिम कॉर्बेट भी गुस्सा नहीं करते हैं लेकिन जानबूझ के कि और गांव वालों को शर्मिंदा ना लगे वो थोड़ा सा बस उसको एग्जामिन करने लगते हैं उसकी बॉडी को कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर जो है उसको लेके जाती है, गांव में सेलिब्रेशन होता है। इस तरीके से जो है पनार के नरभक्षी का अंत हो जाता है। मतलब इसकी कल्पना वही लोग कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक शिकारी ने एक शिकार कर दिया है। लेकिन ऐसे शिकार को मानना जिसने 400 मानव हत्याएं की हो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। ये स्टोरी चलिए अब यहीं पे ख़त्म होती है, अगली स्टोरी बहुत जल्द।